छत्तीसगढ़ पुलिस ने वाहन सहित 17.5 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया है। आपको बता दें कि कबीर धाम जिले से नागपुर ले जा रही एक अवैध कबाड़ से भरी वाहन को छत्तीसगढ़ की गंडई पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त कर लिया। वाहन में 7150 किलोग्राम कबाड़ सामान पाया गया, जिसका मूल्य करीब 1.5 लाख रुपए है। वहीं वाहन की कीमत 16 लाख रुपए है। वाहन सहित जब्त सामान की कीमत लगभग 17.5 लाख रुपए है। पुलिस ने वाहन चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि गंडई पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से अवैध कबाड़ का सामान आ रहा है, जिस पर गंडई पुलिस ने थाना के सामने नाकाबंदी कर वाहन को जब्त कर लिया। वाहन में दुपहिया, चार पहिया, ट्रैक्टर, ऑटो के स्क्रैप पार्ट्स व अन्य लोहे का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। गंडई से संवाददाता इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश निर्देशानुसार अवैध रूप से कबाड़ परिवहन किए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के मद्देनजर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कबीर खान की ओर से एक अशोक लीलैंड वाहन में कबाड़ ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाने के सामने ही नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया, जो महाराष्ट्र पासिंग MH40BA3255 की गाड़ी थी, जिसमें सवार ड्राइवर व हेल्पर से उक्त कबाड़ के संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त वाहन में दोपहिया, चार पहिया, ट्रैक्टर व ऑटो के अधिकतम पार्ट्स थे तथा अन्य लोहे के कबाड़ थे, जो वजन कराने पर लगभग 7150 किलो के करीब पाया गया, जो कीमती करीब 1.5 लाख है। उक्त आरोपियों के समक्ष कोई वैध दस्तावेज न होने पर उसे गिरफ्तार उन्हें धारा 141(1)(4)(379) के तहत गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में वाहन सहित कुल कबाड़ कुल 17,50,000 रुपये की मशूका जब्त किया गया है। इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये माल किसका है, इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। जी, उस संबंध में जानकारी नहीं मिली है। आरोपी गण द्वारा कबीर धाम से लाया जाना तथा नागपुर ले जाकर माल खपाना बताया गया है। ये ड्राइवर ने भी नहीं बताया कि किसके यहाँ से अपन भरे हैं और किसके वो है। यहाँ से लाना उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। नाम सुषमा सिंह, थाना प्रभारी के लिए। जिले में बढ़ती चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश निर्देशानुसार अवैध रूप से कबाड़ परिवहन किए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के मद्देनजर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कबीर धाम की ओर से एक अशोक लीलैंड वाहन में कबाड़ ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाने के सामने ही नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया, जो महाराष्ट्र पासिंग MH40BA3255 की गाड़ी थी, जिसमें सवार ड्राइवर व हेल्पर से उक्त कबाड़ के संबंध में जानकारी चाही गई तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त वाहन में दोपहिया, चार पहिया, ट्रैक्टर व ऑटो के अधिकतम पार्ट्स थे तथा अन्य लोहे के कबाड़ थे, जो वजन कराने पर लगभग 7150 किलो के करीब पाया गया, जो कीमती करीब 1.5 लाख है। उक्त आरोपियों के समक्ष कोई वैध दस्तावेज न होने पर उसे गिरफ्तार उन्हें धारा 141(1)(4)(379) के तहत गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में वाहन सहित कुल कबाड़ कुल 17,50,000 रुपये की मशूका जब्त किया गया है। इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये माल किसका है, इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। जी, उस संबंध में जानकारी नहीं मिली है। आरोपी गण द्वारा कबीर धाम से लाया जाना तथा नागपुर ले जाकर माल खपाना बताया गया है। ये ड्राइवर ने भी नहीं बताया कि किसके यहाँ से अपन भरे हैं और किसके वो है। किसके यहाँ से लाना उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। नाम सुषमा सिंह, थाना प्रभारी गण। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।